इट्स अ फ्रेश स्टार्ट फॉर मी एंड माय करियर. आई थिंक हमारे सेट पे ही डॉक्टर्स आए थे एंड वी डिड अ बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एज टू हाउ टू यूज द इंस्ट्रूमेंट्स करेक्टली. मुझे तो लगा था कि पल्स सिर्फ यहीं देखते हैं, एक्चुअली मैं तीन चार जगह हैं. TPR भी सीख लिया मैंने, स्टेथोस्कोप लगा के चेक भी कर रहे हैं ना, तो वो असली लगना चाहिए. संजीवनी टू का सीज़न तो नहीं है, मेरे लिए तो पहला ही सीज़न है. आई फील इट्स समथिंग, इट्स अ फ्रेश स्टार्ट फॉर मी एंड माय करियर. एंड पुराने सीजन से कुछ लेता देता नहीं है, जस्ट द नेम एंड द ब्रांड रिकॉल विच आई फील इज which has been a cult show all these years, and I think it's a great honor and privilege to be a part of it. What research you got from this show? क्या आपने पहले का show देखा था या नहीं? मेरे को पहले का show देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, because ये जो character है वो 2019 का है, and there's a lot of today in it, you know. And जो original show था, that was I mean 2003, so there was a lot of difference in terms of how we use the medical terms and the jargon. So the research, I would say, I think hamare set pe hi doctors aaye the and we did a bit of understanding as to how to use the instruments correctly. Aur wo thoda bahut practice karke bhi aa jata hai, shoot karte karte bhi aa jata hai, so that it doesn't look fake, because obviously medical knowledge nahi hai aur experience bhi nahi hai. To set pe agar patient ko hum log स्टेथोस्कोप लगा के चेक भी कर रहे हैं ना, तो वो असली लगना चाहिए, बस उतना ही है. आई मीन ज़्यादा कुछ रिसर्च नहीं किया. बहुत कुछ. मुझे तो लगा था कि पल्स सिर्फ यहीं देखते हैं, एक्चुअली मैं तीन चार जगह हैं. आई मीन देयर लॉट ऑफ अदर थिंग्स. CPR भी सीख लिया मैंने, और आई मीन बेसिक थिंग्स, व्हेन समबडी अ पेशेंट इज ऑन द हॉस्पिटल बेड, देर आर फ्यू थिंग्स दैट आर देयर विच आई मीन विजुअली देखे हैं पहले, बट कभी इस्तेमाल नहीं किए, तो वो सब इस्तेमाल करना भी सीख लिया. मुझे भी बहुत अच्छा लगा प्रोमो, एक्चुअली आई मीन इट्स वेरी वेरी फ्रेश एंड डिफरेंट. सो आई मीन इट केम आउट टुडे, काफ़ी एक्साइटिंग डे रहा है. और आज PVR में, मतलब TV शो के लिए एक प्रीमियर हो रहा है, विच इज़ ऑल्सो अ बिग थिंग, विच आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट एंड ग्रेटफुल अगेन. यस. नहीं, पर्सनली मैं प्रेशर तो नहीं लूँगा, बिकॉज ये जो शो है उसमें लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्व. आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ कास्ट ऑफकोर्स behind the scenes, from the writers to the producer to the director to the channel, there's so many people involved. So yeah, I mean personally main akele pressure to lena, I mean I don't think uska koi point hai, because it's a team effort and hum sab ek team ki tarah kaam karke we are trying to do our best and come up with a show that people will like. Personally, I think it's been a dream team in a way, because I mean people like Rohit sir, Monish Bahl, Gurdeep Kohli, I mean these guys they've been there for years, I mean decades in fact, and yeah, wo experience leke aate hai set pe, and it just kind of feels you know that comfort zone bahut achhi tarah se aata hai, you know. So and in terms of working, yes, it's a little tough. I mean TV industry is tough, but मज़ा आ रहा है, बिकॉज नई चीज़ें करने को मिलती हैं, यू नो, OT सीन्स एंड थोड़ा बहुत एक्सटर्नल आउटडोर भी है, सो इट्स फन. आई मीन आई एम एंजॉयिंग इट. मस्ती तो सब करते हैं, बचपन से किया है मैंने थोड़ा बहुत, बट या आई मीन ऑन स्क्रीन व्हाट यू सी, आई वुड से कुछ ट्रेट्स हैं जो मेरे पास पर्सनली में है, but otherwise it's a very 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 well written character. It's again a dream come true for a lot of people, you know, to play like it's a hero on TV, and that itself is a big opportunity. Thank you very much.